हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी के समय में खेसारी लाल यादव, पवन सिंह दोनों कट्टर के दुश्मन हैं। एक दूसरे के नाम तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक समय था, ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ फिल्में करते थे। फिर अचानक क्या हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे पहले अपने कदम रखे पवन सिंह, उसके बाद अक्षरा सिंह और उसके बाद खेसारी लाल यादव। पवन सिंह की पहली फिल्म थी रंगली चुनरिया तोहरे नाम, जिसमें उनकी हीरोइन थी सोनाली जोशी। ये फिल्म आई थी 2007 में। उसके बाद एंट्री हुई खेसारी लाल यादव की। खेसारी लाल की पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी स्मृति सिन्हा। ये फिल्म आया था 2010 में। अब बात करते हैं इन दोनों की दोस्ती के बारे में। खेसारी और पवन के बीच पहले बहुत दोस्ती हुआ करती थी। एक दूसरे के फिल्म में एक दूसरे के लिए गाना गाते थे, एक दूसरे के साथ फिल्में करते थे और एक दूसरे के पार्टी में शामिल भी होते थे। तो फिर इन दोनों में दुश्मनी हुई कैसे, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी। पहले अक्षरा सिंह खेसारी लाल के साथ थी, फिर खेसारी लाल को छोड़ के पवन सिंह के साथ हो गई, फिर पवन सिंह को छोड़ के फिर से खेसारी लाल के साथ हो गई और बीच में उलझ गए पवन खेसारी। बात गौर करने वाली है, चलिए जानते हैं डिटेल से। अक्षरा सिंह की पहली फिल्म थी सत्यमेव जयते रवि किशन के साथ। फिल्म आई थी 2009 में। उसके बाद अक्षरा सिंह और भी कुछ दो तीन छोटे मोटे हीरो के साथ फिल्में की, पर अक्षरा सिंह को उतनी नाम और पहचान नहीं मिली। उसके बाद 2014 में आई खेसारी लाल और अक्षरा सिंह की साथ में पहली फिल्म हीरो नंबर वन, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म में अक्षरा सिंह और खेसारी लाल की जोड़ी दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो जब एक नई जोड़ी पर्दे पे हिट होती है ना, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसी जोड़ी के साथ एक दो फिल्म और बना डालते हैं ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से। उसके बाद तो अक्षरा सिंह खेसारी लाल हर जगह दोनों साथ में दिखाई देने लगी, इनकी बैक टू बैक फिल्में आने लगी, लोग इनके बारे में खबरें उड़ाने लगे कि इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। पर अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोले। कहानी में ट्विस्ट तो अब शुरू होती है। डायरेक्टर इश्तियाक खान बंटी एक फिल्म बना रहे थे, होगी प्यार की जीत, और अक्षरा सिंह चाहती थी कि इस फिल्म में मैं रहूं खेसारी लाल के साथ। पर डायरेक्टर चाहते थे कि नहीं, इस कहानी में मैं एक नया चेहरा रखूं, एक नई जोड़ी बनाऊं। तो अक्षरा सिंह खेसारी लाल से बोली कि मुझे ये फिल्म नहीं मिला है, मैं नहीं कर रही हूं, तो तुम भी इस फिल्म को नहीं करो। तो खेसारी लाल कहते हैं कि नहीं, मुझे इस कहानी में इंटरेस्ट है और मैं ये फिल्म करूँगा। बस इसी बात का अक्षरा सिंह को बुरा लगा और वो उसी समय से खेसारी लाल से दूरी बनाने लगी। उसके बाद अक्षरा सिंह का पवन सिंह से कनेक्शन हुआ, मतलब कि इन दोनों की साथ में पहली फिल्म आई ठोक देव। उसके बाद तो अक्षरा पवन की बैक टू बैक कई सारी हिट फिल्में आई। और जब अक्षरा सिंह पवन सिंह के ज़िंदगी में आई थी, तब पवन सिंह शादीशुदा थे, उनकी बीवी थी नीलम देवी। और ऐसा कहा जाता है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच बढ़ती नज़दीकियों के कारण ही नीलम देवी ने हत्या की थी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद तो अक्षरा सिंह पवन सिंह और भी क्लोज हो गए। अक्षरा सिंह खुद ही अपने मुंह से कबूली हैं कि उन्हें गाना गाना पवन सिंह ही सिखाए हैं। जी, पवन जी ने गाना सिखाया है, अभी भी सिखाते हैं और गाना, नया नया गाना, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मुझसे करवाते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच विवाद कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह को बांध के रखना चाहती थी, पवन सिंह को हर बात के लिए टोकती थी, जैसे कि तुम ये फिल्म साइन करो, तुम ये फिल्म साइन नहीं करो, तुम्हारी हर फिल्म में हीरोइन मैं ही रहूं, वो कलाकार मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो तुम उसके साथ काम नहीं करो। और ये सभी बातें शायद बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी और इसी वजह से अक्षरा और पवन सिंह के बीच तकरार मतभेद होने लगी थी, लेकिन पब्लिक ही नहीं हुई थी। बट हुआ ये कि अक्षरा सिंह एक लाइव शो में पवन सिंह का नाम नहीं ली, लेकिन उन्हीं के तरफ इशारा करते हुए बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल दी थी और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, पवन सिंह तक भी पहुंच गई थी। और वो देखकर पवन सिंह को इतना बुरा लगा कि पवन सिंह अक्षरा सिंह से ब्रेकअप करने के लिए जल्दबाजी में जाकर ज्योति सिंह से शादी कर लिए। और जब ये बात अक्षरा सिंह को मालूम हुआ, तब तो उनका पारा गर्म हो गया और मीडिया के सामने आके अंड संड देवानंद सब कर डाली। इस बारे में अक्षरा सिंह कम से कम 15-20 चैनलों को इंटरव्यू दे चुकी हैं, मतलब जो उनके दिल में आया वो सब बोली हैं। अगर कोई चुप रहा है इस बात पे तो वो है पवन सिंह।
अक्षरा सिंह को भर भर के पब्लिसिटी मिल गई और अक्षरा सिंह घूम फिर के फिर से खेसारी के संग चल पड़ी। एक बात कहना चाहूँगी कि अगर अक्षरा सिंह अपनी हरकतें सुधार ली हैं तब तो ठीक है, वरना आप लिख लीजिए कि ये काजल राघवानी और खेसारी लाल की जोड़ी भी तोड़ के रहेंगी। भगवान करे ऐसा ना हो, सब लोग मिलजुल के रहें, अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, सब साथ में काम करें। सो दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखे होंगे तब तो समझ गए होंगे, और अगर आप स्किप कर करके देखे हैं तो आप लोग नहीं समझे होंगे। तो अगर आपके दिमाग में कुछ उलझुल सवाल चल रहे हैं तो पहले आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लें शांति से, उसके बाद हमको कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग और जानकारी भरा वीडियो आप सबके लिए लेके आते रहते हैं। देखा दोस्त, तू जितना जल्दी हो सके मलखान के साया से भी दूर हो जा, ना तो अगर फंस गया ना तो निकले के रास्ता तक ना मिले।